Good morning, class. This is our new pathology class in which today we will study about the remaining portion of ISD, that is ischemic heart disease. तो ischemic heart disease के last class में हम लोगों ने पढ़ा था atherosclerosis और angina pectoris. इसके बाद acute coronary syndrome जो है हम आज पढ़ने वाले हैं, मतलब MI जो है हम आज पढ़ेंगे. तो हमारे आज का टॉपिक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. इसमें हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ते हैं और अनस्टेबल एंजाइना पढ़ते हैं. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसमें ST एलिवेशन, ST सेगमेंट एलिवेटेड आपको दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, तो उसको अपन STEMI यानी ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं. या फिर वो MI जिसके अंदर ST एलिवेटेड नहीं दिखाई देगा यानी NSTEMI. सिम्टम्स इसके MI के रेस्ट में भी दिखाई देते हैं. मायोकार्डियल नेक्रोसिस के एविडेंस आपको मिलेंगे. कार्डियक टैम्पोनिन आपको बढ़ावा मिलेगा, या आप कहिए क्रिएटिन काइनेज MB आइसोएंजाइम जो है वो आपको बढ़ावा मिलेगा MI के अंदर. दूसरा, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एंजाइना पढ़ा था जिसमें हमने स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना पढ़ा था. अनस्टेबल एंजाइना भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि इसमें ऑनसेट हो जाता है या तो तेज़ी के साथ कई बार एंजाइना बिगड़ जाता है जिसको आप क्रिस्केंडो एंजाइना कहते हैं, या फिर एंजाइना या मिनिमल एग्जर्शन के समय पर एंजाइना आपको दिखाई देगा, या रेस्ट में भी एंजाइना दिखाई दे सकता है जिसमें हो सकता है मायोकार्डियल डैमेज ना हुआ हो, सिर्फ एंजाइना हो. जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है ये न्यू फिनोमेनन के रूप में देखने को मिल रहा होता है, या किसी को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है उसके अगेंस्ट में ये देखने को मिल सकता है. इसमें कॉम्प्लेक्स अल्सर बन जाता है या फिशर्ड एथेरोमेटस प्लाग, अल्सरेटेड प्लाग या फिशर्ड एथेरोमेटस प्लाग आपको दिखाई देगा जिसमें प्लेटलेट एडेयर हुई हुई होगी, थ्रोम्बस बना हुआ होगा और लोकल जगह पर कोरोनरी आर्टरी का स्पाजम आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है. इसके डायनेमिक प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन की डिग्री अलग अलग हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है. बिना ट्रीटमेंट के भी इन्फार्क्ट जो है, इन्फार्क्टेड आर्टरी जो है वो परमानेंटली ऑक्लूडेड रह सकती है. 20-30% पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि बिना ट्रीटमेंट के भी ये ऑक्लूडेड रही हुई है. यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है अब MI की, तो इस MI की केस में, क्योंकि मैंने इस इन्फॉक्शन का आपको डेफिनेशन बताई थी कि इन्फॉक्शन का मतलब होता है इस्चेमिक नेक्रोटिक एरिया, मतलब इसमें इस्चीमिया भी होगा और नेक्रोसिस भी होगा, और एरिया मतलब जिस जगह पे हो रहा है, तो किस जगह, मायोकार्डियल पे हो रहा है भाई, मायोकार्डियल लेयर पे हो रहा है हार्ट की. तो इसमें आपको MI में क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल नेक्रोसिस के एविडेंस मिलेंगे, क्लिनिकल सेटिंग में मायोकार्डियल इस्चीमिया मिलेगा जिसमें कि इनमें से कोई भी फॉर्म में आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, कि कार्डियक बायो मार्कर्स जो हैं वो या तो राइज या फॉल आपको मिलेंगे, इसको डिटेक्ट कर लीजिए. स्पेशली आप इसमें ट्रोपोनिन टेस्ट जो है वो करवाते हैं, जिसको आम भाषा में ट्रोपाई कहते हैं, ट्रोपाई की जांच करवा लो, ये बायो मार्कर है. ECG आपको चेंज दिखाई देगा न्यू इस्चीमिया की वजह से, ST चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्यू वेव, पैथोलॉजिकल क्यू वेव डेवलप दिखाई देगी. इमेजिंग के एविडेंस से आप वायबल मायोकार्डियम, आपको पता चलेगा कि वायबल मायोकार्डियम का लॉस हो चुका है. अब क्लिनिकल फीचर्स यानी सिम्टम्स क्या हैं भाई, इसके कार्डिनल सिम्टम में आपको पेन दिखाई देगा. ये पेन लंबे समय तक हो सकता है, चेस्ट, थ्रॉट, आर्म और एपिगैस्ट्रम या बैक में भी हो सकता है. एंग्जाइटी और फियर भी हो सकता है जो कि डेथ का कारण बन सकता है. नोजिया, वॉमिटिंग दिखाई देता है, सांस में दिक्कत आती है, कोलैप्स या सिंकोप हो जाता है सांस लेने में. इसके अलावा सिंपथेटिक एक्टिवेशन दिखाई देगा जिसमें स्किन पीली पड़ जाएगी, पसीना आएगा और हार्ट बीट बढ़ जाएगी.
वेगल एक्टिवेशन हो जाता है जिसमें जिसकी वजह से पर्सन में वॉमिटिंग और ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन के साइन दिखाई देंगे, बीपी कम हो जाएगी और यूरिया दिखाई देगा और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पल्स प्रेशर नैरो हो जाता है, JVB बढ़ जाएगा, थर्ड हार्ट साउंड पता चलेगी आपको, क्वाइट फर्स्ट हार्ट साउंड काफ़ी क्वाइट रहेगी, बहुत धीमे होएगी, एपिकल इम्पल्स डिफ्यूज दिखाई देगा, लंग में चेंजेस आ जाएंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएगा जिससे पर्सन को बुखार चढ़ जाता है, जैसे कई और सिम्टम्स भी दिखेंगे। अब MI कई तरह का हो सकता है, Type 1, Type 2 और तीसरा Type 3, 4, 5। Type 1 में अचानक MI होगा इशीमिया के साथ में, क्योंकि प्राइमरी कोरोनरी इवेंट हो रहा है, जैसे प्लाक का इरोजन हो जाएगा या प्लाक का रिप्चर हो जाएगा, फिशनिंग हो जाएगी या डिसेक्शन हो जाएगा, जो प्लाक बना है ना, क्योंकि प्लाक की वजह से हो रहा है MI, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो बन रहा है, एथेरोमेटस प्लाक जिसको आप कहते हो। Type 2 MI जो है वो इशीमिया से सेकेंडरी होता है, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आता है, डिमांड बढ़ जाती है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इस तरह से कोरोनरी स्पाज़म, कोरोनरी एम्बोलिज्म, एनीमिया, एरिथमिया, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दिखाई दे सकता है। Type 3, 4, 5 में MI को डायग्नोस करोगे सडन कार्डियक डेथ के साथ में, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी PCI के बाद में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आपने करवाया हो तो उसके बाद हो सकता है सडन कार्डियक डेथ हो जाता है, Type 3, 4, 5 MI कहलाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियस है भाई, अपन ECG करवा सकते हैं, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है, बस ठीक है, डिटेल अपने को वहाँ पर लिखनी नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि ST सेगमेंट आपको एलिवेटेड मिलेगा, टी वेव इन्वर्ट मिलेगी, बस ये इसी जगह ही दिखाया हुआ है, कैसे कैसे आपको दिखाई देगा ये खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं जब हम इसको क्लिनिकली अपन देखेंगे, वहाँ पर लैब में टेस्ट होते हुए देखेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड ACS के अंदर आपको पार्शल ऑक्लूजन मेजर वेसल में दिखाई देगा, या हो सकता है कंप्लीट ऑक्लूजन किसी माइनर वेसल में दिखाई दे जाए। अनस्टेबल एंजाइना या पार्शल थिकनेस MI की आपको दिखाई देगी, सब एंडोकार्डियल MI आपको दिखाई देगा। ST सेगमेंट डिप्रेस दिखाई देगा जबकि टी वेव में चेंज दिखाई देगा। इन्फॉक्शन की प्रेजेंस में आर वेव लॉस हो जाती है क्यू वेव की एब्सेंस में। ये फिर से देखिए इसी चीज़ को जो मैं बोल करके बता रही हूँ उसको आप ECG के अंदर देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब प्लाज्मा कार्डिक मार्कर देखिए, अनस्टेबल एंजाइमा में एंजाइना अगर है तो कोई डिटेक्टेबल मार्कर आपको दिखाई देगा नहीं देगा, नॉन डिटेक्टेबल राइज इन कार्डिक मार्कर या एंजाइम, कोई एंजाइम या कोई मार्कर आपको बढ़ावा नहीं दिखाई देगा, जबकि MI के अंदर CK बढ़ावा दिखेगा। ये मोर सेंसिटिव है, कार्डियो स्पेसिफिक आइसोफॉर्म है CKMB एंजाइम का, कार्डियो स्पेसिफिक प्रोटीन्स ट्रोपोनिन T और I ये आपको बड़े हुए दिखाई देंगे, स्केलेटल मसल में भी दिखाई देगा पर CKMB नहीं दिखाई देता। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज, पर्टिकुलर ओल्डर पीपल के अंदर या गिरने से भी ऐसे चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं स्केलेटल मसल में। ये प्लाज्मा कार्डिक मार्कर की इन्वेस्टिगेशन देखिए, ये CK और ट्रोपोनिन TNT ये फर्स्ट राइज होगा, फिर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST राइज होगा, देन लैक्टेट राइज होगा, हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट डिहाइड्रोजन यानी LDH का राइज दिखाई देगा। इस तरह से राइज हो रहा है जैसा आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि देखिए पहले CK देन AST और देन LDH और साथ में CK के साथ में ट्रोपोनिन बताया गया है, ट्रोपाई की जांच। अदर ब्लड टेस्ट में ESR करवा सकते हो, CRP ये दोनों आपको बड़े हुए दिखाई देंगे, चेस्ट एक्सरे में पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पर इसका एविडेंस नहीं मिलता, हार्ट साइज अक्सर नॉर्मल ही रहता है पर कार्डियोमिगैली वहाँ पर हो सकता है अगर पहले से कोई मायोकार्डियल डैमेज रहा है तो। ECO आप करवा सकते हो लेफ्ट राइट वेंटिकुलर फंक्शन को एसेस करने के लिए। इसके अलावा इस ECO के अंदर आपको म्यूरल थ्रोम्बस का, कार्डिक रप्चर का, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, माइट्रल रीगर्जिटेशन का और पेरिकार्डियल इफ्यूजन का भी पता चलता है।
अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, एरिदमिया हो सकता है हार्ट में, इस्चीमिया हो सकता है, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, पेरिकार्डियल लेयर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन में पैपिलरी मसल रप्चर हो सकते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो सकता है, वेंट्रिकुलर रप्चर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा हो सकता है एम्बोलिज्म हो जाए, मतलब वो थ्रोम्बा एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या फिर वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाए, रीमॉडलिंग या वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म में डायलेशन हो जाता है आर्टरी का, आर्टरियल वॉल का डायलेशन, आर्टरियल वॉल डायलेट हो जाती है, एक साइड या दोनों साइड से पाउच की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, एन्यूरिज्म होता है। बस इसके साथ में आपका MI ख़त्म, और MI के साथ में आपका IHD वाला पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कार्डियक चैप्टर का, तो वो हमने कर लिया। इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों।